मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर तुम ये शादी नहीं कर सकती तो ऋषि की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, उसकी खुशियां और उसका चैन सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। हेलो, सुबह बेटा, दूल्हे का चेहरा तो देखो। क्या हुआ सुभाषिनी, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? अरे वो तुम्हारा ऋषि तो है, तुम्हारा मास्टर जी। तुम्हारी शादी तुम्हारे मास्टर जी के साथ ही तो हो रही है, तुम्हारे भगवान के साथ। शायद सुबह को ये मंजूर ना हो। सुबह अगर तुम चाहो तो तुम मुझे ठुकरा सकते हो। क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ वही किया था ना। उस दिन जैसे अंतरपाट हटा, मैंने तुम्हें धुतकार दिया था। तुम्हें अनपढ़ कवार कहकर उस बड़े मंडप में तुम्हें अकेला छोड़कर वहां से चला गया था। What the hell is going on? How can you even think कि मैं ऐसे पसंद करूंगा? Am I crazy कि मैं इस गांव की गवार लड़की को पसंद करूं, इससे शादी करूं? लेकिन आज मेरी समझ में आया कि अनपढ़ गवार तो मैं ही था जो तुम्हारे मन की सुंदर था, तुम्हारे गुणों को पहचान नहीं पाया। सुबह मैं ही वो बेवकूफ हूँ जिसने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, और आज इस भरे मंडप में मैं उसके लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अपनी गलतियों के लिए मैं तुमसे कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। सुबह अपने अपने इस गुनहगार को एक मौका दे सको तो मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। मियाँ, आज इस भरे मंडप में मैं ये कन्फेस करना चाहता हूं कि तुम्हारी सादगी में, तुम्हारे भोलेपन ने इस ऋषि का दिल जीत लिया है। प्यार हो गया है मुझे तुमसे। आई लव यू सुबह। क्या मेरी सारी गलतियों को माफ करके विल यू मैरी मी?
सुबह बेटा, सजा तो इसे मिलनी चाहिए और वो भी जिंदगी भर की सजा। ये हमेशा तुम्हें डांटता था, रुलाता था, अब तुम इसे डांटता जिंदगी भर इसकी पत्नी बनकर। अब तो शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ कह दो सुबह बेटा। हाँ सुबह बेटा, हाँ कह दो। हाँ सुबह, हाँ कह दो। अब इतना क्या सोच रही हो सुबह? देखो, ऋषि के दिल की बात उसकी सुबह तक लाने के लिए हम सबको कितना बड़ा ड्रामा करना पड़ा। अगर मैं तुम्हें आई लव यू नहीं बोलता तो फिर ऋषि कैसे अपने प्यार का इजहार कर पाता? और ये सारा ड्रामा ना हमने दादाजी के कहने पे किया है। सारी प्लानिंग उन्हीं की थी। अरे ऐसे तो ये जिंदगी भर नहीं बोलता, अपना प्यार उठाकर दूसरी के झोली में डाल रहा था, बस अपने दादा को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए। I swear, तुम दोनों को मिलवाने के लिए हमें इतना बड़ा नाटक करना पड़ा, और तो और शर्मिला आंटी से भी एक्टिंग करानी पड़ी। You don't know शर्मिला आंटी, no? She is a very famous name. She is a very big actress in Assami film industry. वो तो अच्छा हुआ यहाँ किसी ने आसामी पिक्चरें देखी नहीं है, वरना तो पहले दिन ही हमारी पोल खुल जाती। अब प्लीज हाँ कह भी दो सुभाषिनी, इतनी एक्टिंग तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं की है। तो शादी के लिए हाँ कर दो। हाँ कह दो सुबह बेटा। हाँ सुबह बेटा, हाँ कह दो। हाँ सुबह, हाँ कह दो। क्या हुआ दादाजी, सुभाषिनी ऐसे मंडप छोड़ के अंदर क्यों चली गई? मैं जाकर उससे बात करूं? नहीं लाडू, कोई नहीं जाएगा। उसे उसे खुद फैसला करने दो, और जो उसका फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लोग, सुबह आ गई। चुनर है ना जो हमने ऋषि भाई के नाम की सुबह को उड़ाई थी।
दादाजी मेरी शादी मेरे नानू की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था और आज जब मेरी शादी होने जा रही है तो मेरे नानू का आना तो जरूरी था ना। आज वो जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे कि उनकी सुबह की शादी ऋषि कुमार से हो रही है। आपको मेरा जवाब चाहिए था तो मास्टर जी अगर आपने शादी के लिए ना भी की होती अगर आप मुझसे इतना प्यार ना भी करते होते तो भी ये अनपढ़ गवार जाहिल शुगली आपसे जिंदगी भर उतना ही प्यार करती क्योंकि जिस दिन लाडूबा ने मुझे आपके नाम की चुनर उड़ाई मैं उसी दिन हमेशा हमेशा के लिए आपकी हो गई। शादी तो मैंने दिल ही दिल में आपसे तभी कर ली थी बस रस्में होनी बाकी थी। अभी जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ वो तीन शब्द भी आप ही ने मुझे सिखाए हैं। आई लव यू। अब ये विवाह संपन्न हुआ आज से आप दोनों पति पत्नी होंगे। दस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्यरेकाक्ष मङ्गलाय अब कन्या के माता पिता आकर के कन्यादान करें। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरा कन्यादान करूंगा।
ओम या श्री स्वयं सुकृतना भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतद्यां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रोवस्य लज्जा तां तां नता संपरिपालय देवी स्वं ओं श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यातं मा ओं मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंजरेकाक्ष मंगलं। अब भाभी आकर के गठबंधन कर दें। ओम तदैव लग्नम सुदिनम तदैव तारावलम चंद्रबलम तदैव विद्यावलम देवबलम तदैव लक्ष्मीपते श्रृंगयुगम स्मरामि। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दुल्हन की मांग में सिंदूर भरी। ओम या श्री स्वयं सुकृतनाम भवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां कृतद्यां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रहवस्य लज्जा तां तां नता संपरिपालय देवि विश्वम्। अभी मंगलसूत्र दुल्हन के गले में पहनाइए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों खड़े होकर के घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। ऋषि चल यार, अब मैं चलता हूं। कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट की। बाय सुभाषिनी। बाय ऑल सी यू। बाय गी। थैंक्स। सुबह बेटा, आज एक बहू के रूप में तुम इस घर में प्रवेश करो। हाँ सुबह, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। सदा सुखी रहो। सदा सुहागन रहो। खुश रहो बेटा, तुम इस घर की बहू जरूर हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम मेरी बेटी हो। और हम दोनों तुम्हारे सास ससुर नहीं, तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारी सास हूँ, और वो भी अच्छी वाली। सुबह, अब इस घर में हमारी ताकत थोड़ी और बढ़ गई है। 5 मर्दों के मुकाबले हम 4 औरतें हो गई। एक सास, एक दादी सास और हम दो दो बहुएं। वेलकम टू माय टीम। अरे राहुल, तू आ खड़ा खड़ा हंस क्या रहा है? चल चल, तेरा कैमरा निकाल। वो क्या बोलते हैं, सेल्फी। आजा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना नर्वस हो जाऊंगा। अनपहली कहानी प्यार की।
तुम थोड़ा मेरी तरफ टर्न होकर बैठोगी या मैं ही तुम्हारे सामने आकर बैठ जाऊं? मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतना नर्वस हो जाऊंगा। मास्टर जी, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, पसीना कहाँ आ रहा है? और प्लीज अब तो तुम मुझे मास्टर जी कहना छोड़ दो। तो क्या कहूं? ऋषि। मास्टर जी। ऋषि। मास्टर जी। ऋषि। मास्टर जी। मास्टर जी। ऋषि। मुझे लगता था कि मैं तो माधवपुर की सुबली को हमेशा के लिए खो दूंगा। ए ऋषि कुमार, ये डायलॉग तुम याद करके आए हो कि अभी अभी सब याद करके बोल रहे हो? बोलो बोलो। और ये जो तुम्हारी अंग्रेजी है ना, वो सुबली को भी आती है? अब मैं बोल के दिखाती हूँ। कम गो इफ बट देयर वेलकम थैंक यू ओके स्टॉप ए बी सी डी ई एफ एच आई जे एक्स वाई जेड। ऐसे ये दांत दिखा दिखा के हंस क्या रहे हो? और वैसे भी ना, ये ऐसे दुल्हन की तरह शर्माना, ऐसे मीठी मीठी बातें करना, ईमान ना फावे। तो पची हूँ फावे? मने आप सहेली सबसे नवेली थोड़ी सी हठीली प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली रंग बिरंगी तितली हर दायक पहेली अलबेली कहानी प्यार की अलबेली।